हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि गोरखपुर से दिल्ली के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 15057 और ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन से हर बृहस्पतिवार को रात के 8:55 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और 13:55 बाद ये सुबह 10:50 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आनंद विहार टर्मिनल में पहुँचती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं और 748 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। आगे हम बात करेंगे गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊँगा वो कोचेस वाइज गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक का होगा, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर लें। इसमें सेकंड एसी के कोच हैं, सेकंड एसी के इसमें जो है एक कोच है जिसका गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया है वो है 1545 रुपये, जिसमें 1421 रुपये तो बेस फेयर हैं, 50 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है और 74 रुपये जो है वो GST चार्ज शामिल है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी के इसमें तकरीबन 4 कोचेस हैं, जिसका गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक का जो टोटल किराया है वो है 1085 रुपये, जिसमें 993 रुपये तो बेस फेयर हैं, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है और 52 रुपये जो है वो GST चार्ज इसमें शामिल होता है। स्लीपर क्लास के तकरीबन इसमें 7 कोचेस हैं, इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। तो गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक का जो स्लीपर क्लास का किराया है वो है 400 रुपये, जिसमें 380 रुपये तो बेस फेयर हैं, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है और कोई अन्य चार्ज इसमें नहीं जोड़ा जाता। तो ये जो मैंने अभी आपको कोचेस वाइज गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक का किराया बताया। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है 6 से 7 जो है जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक का जो टोटल किराया है वो है 230 रुपये के करीब। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके कन्फर्म कर सकते हैं, वहाँ से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से आनंद विहार टर्मिनल तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर है 15057। ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से हर बृहस्पतिवार को रात को 8:55 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली तक। गोरखपुर जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है GKP। इसके बाद तकरीबन 33 किलोमीटर बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन खलीलाबाद में रात के 9:35 पे पहुंचती है और 9:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 34 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने तीसरे स्टेशन बस्ती उत्तर प्रदेश में रात के 10 बजे पहुँचती है और 10:03 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और तकरीबन 64 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बस्ती स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है BST। इसके बाद गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस जो है वो गोंडा जंक्शन, जो कि इसका चौथा स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 11:10 पे पहुँचती है और 11:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 152 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ चारबाग में पहुँचती है रात के 2:25 पे और 2:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 270 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। लखनऊ चारबाग का स्टेशन कोड है LKO। इसके बाद ये ट्रेन जो है मुरादाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुँचती है सुबह 7:35 पे और 7:43 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 595 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मुरादाबाद जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है MB। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन और उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन गाजियाबाद जंक्शन में सुबह 10:08 पे पहुंचती है और 10:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है,
तीन या चार नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 735 किलोमीटर की यात्रा जो है गोरखपुर से गाजियाबाद तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली में सुबह 10:50 पर पहुंचती है और चार नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 748 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों आनंद विहार टर्मिनल का जो स्टेशन कोड है वो है ANVT। इसी के साथ गोरखपुर आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अपनी फेवरेट ट्रेन के बारे में भी कमेंट करें। और अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे। और इंडियन रेल मुसाफिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।